नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। आज 12 नवंबर है, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका पूरे हरियाणा के अंदर इंतज़ार किया जा रहा था। आज गांव की छोटी सरकार बनने का दिन है और आप इस समय देख सकते हैं कि मेरे पीछे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। हम एलनाबाद खंड के गांव मौजूखेड़ा में मौजूद हैं इस समय और ये एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर अति संवेदनशील गाँव में माना जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हरियाणा पुलिस के जो सशस्त्र जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लेकिन अभी तक जो जितनी भी मतदान हुई है करीब 50 से 60% के बीच मतदान अभी तक हो चुका है। पूरे एरिया के अंदर बिल्कुल शांति बनी हुई है, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि एलनाबाद खंड के अंदर आज के दिन 86,000 से अधिक मतदाता अपने गाँव के सरपंचों के और पंचों के भाग्य का जो भविष्य तय कर रहे हैं, उनका भविष्य ईवीएम के द्वारा जो है तय किया जा रहा है। शाम को 6 बजे के बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, तब तक आप देखते रहिए केवल चैनल डी। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज सिरसा जिला में हुए सरपंच व पंच के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। मतदाताओं ने इस मतदान में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हुए इन चुनावों के लिए जिले में बनाए गए 877 मतदान केंद्रों पर 85% से अधिक मतदान हुआ है। इन बूथों पर कुल 6,93,786 मतदाता थे, जिनमें से 5,89,334 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि एलनाबाद खंड में कुल 108 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें कुल 85,277 मतदाताओं में से 70,394 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, जो कि 82.5% है। चैनल डी की टीम ने आज भी विभिन्न गांवों में बनाए गए मतदान केंद्रों का दौरा किया। कई मतदान केंद्रों पर जहां महिला पुरुष मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आई, वहीं कई मतदान केंद्र सूने भी दिखाई दिए। हालांकि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते पूरे एलनाबाद खंड में मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सभी गांवों में लोगों ने आपसी भाईचारे का परिचय दिया। किसी किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी सूचना मिली, जिसे थोड़ी देर में ही दुरुस्त कर लिया गया। एक मतदान केंद्र पर एक विधवा महिला को चक्कर आ गया, जिसके लिए मतदान केंद्र पर कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उक्त महिला को वहाँ मौजूद मतदाताओं की सहायता से अस्पताल तक पहुँचाया गया। शाम को 6 बजे के बाद मतों की गिनती शुरू की गयी। पहले पंच पदों के लिए हुए मतदान की गणना की गई, उसके बाद सरपंच पद के लिए हुए मतों की गणना कर मौके पर ही परिणाम घोषित कर दिए गए।